हमारे ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स आंकी गई है। अगर हम इस विशाल समय रेखा को एक साल में कंप्रेस करें, यानी बिग बैंग से वर्तमान तक के समय को एक ही साल में बांट दें, जिसमें बिग बैंग 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर के अंत में प्रेजेंट डे को रिप्रेजेंट करें, ऐसे में हर एक सेकेंड 437.5 ईयर्स के बराबर होता है, एक घंटा 1.575 मिलियन ईयर्स के बराबर और एक दिन 37.8 मिलियन ईयर्स के बराबर होता है। तो इस कॉस्मिक कैलेंडर में प्रमुख घटनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार होगा। 1 जनवरी को बिग बैंग होता है। यूनिवर्स का जन्म अत्यंत गर्म एवं डेंस स्टेट में हुआ है। स्पेस, टाइम और मैटर तेजी से एक्सपैंड होता है। प्लैंक युग के दौरान ब्रह्मांड के भीतर तापमान और औसत ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि रोजमर्रा के सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं बन सकते थे, और यहां तक कि ब्रह्मांड को आकार देने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेस, जिनमें ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं, ये भी बन ना सके। ये सब एकजुट होकर एक ही फंडामेंटल फोर्सेस थे। इस तापमान पर फिजिक्स के बारे में हमारी समझ काफी सीमित थी। इन्फ्लेशनरी युग के दौरान यूनिवर्स तेजी से एक्सपेंड होता है और फंडामेंटल फोर्सेस अलग हो जाती हैं। क्वार्क्स और ग्लुओंस मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। इस वक्त यूनिवर्स गर्म और डेंस प्लाज्मा से भरा हुआ है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर पहला हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स बनाते हैं। ये सभी घटनाएं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में घटित होती हैं। यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है क्योंकि फोटॉन मैटर से अलग हो जाते हैं, जिससे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बनता है। यूनिवर्स के ठंडा होने पर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन रिलीज होता है। ग्रेविटी के प्रभाव में डार्क मैटर आपस में जुड़ने लगते हैं। लगभग 10 दिन बाद 10 जनवरी को पहला स्टार जन्म लेता है, जिससे ब्रह्मांडीय अंधकार युग का अंत होता है। 26 जनवरी को प्राइमोडियल गैस क्लाउड्स कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे अर्ली गैलेक्सीज बनती है। यूनिवर्स रीआयोनाइजेशन के युग में प्रवेश करता है, क्योंकि स्टार्स आसपास की हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करते हैं। स्टार्स और गैलेक्सीज विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाओं में विकसित और निर्मित होती रहती है। लगभग 2.5 महीने बाद 16 मार्च को हमारी मिल्की वे गैलेक्सी स्टार्स और गैस के जमा होने से आकार लेती है, और 13 मई को मिल्की वे गैलेक्सी डिस्क का निर्माण होता है। 2 सितंबर को हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। सूर्य और ग्रह गैस और धूल की घूमती हुई डिस्क से बनते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांडीय मलबे के एक्रीशन और कोलिजन के माध्यम से आकार लेना शुरू करती है। पृथ्वी का जन्म नवजात सूर्य की परिक्रमा करने वाली गैस और धूल की एक डिस्क से हुआ था। बार बार टकराने से एक चमकती हुई गोला उत्पन्न हुई। 21 सितंबर को पृथ्वी पर पहले सिंपल लाइफ फॉर्म्स का उदय होता है। प्रोकैरियोट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसकी सेल में न्यूक्लियस और अन्य मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। 30 सितंबर को फोटोसिंथेसिस होता है। 29 अक्टूबर को द ग्रेट ऑक्सीजनरेशन इवेंट होता है, जिसमें साइनोबैक्टीरिया विकसित होते हैं, जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। 9 नवंबर को कॉम्प्लेक्स सेल्स यूकैरियोट्स का गठन होता है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। सभी जानवर, पौधे, फंगई और कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं। 5 दिसंबर को मल्टी सेलुलर लाइफ विकसित होता है और ओशियंस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स पनपने लगते हैं। 17 दिसंबर को मछलियां और प्रोटो एम्फीबियंस जन्म लेते हैं। 20 दिसंबर को पहली लैंड प्लांट्स और फंगाई पृथ्वी पर निवास करते हैं। कॉन्टिनेंट्स आकार लेते हैं और जीवन में विविधता आने लगती है। 24 दिसंबर को परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन होता है। एक विनाशकारी घटना लगभग 96% समुद्री प्रजातियों और 70% भूमि प्रजातियों का सफाया कर देती है। 25 दिसंबर को डायनासोर विकसित होते हैं और पृथ्वी पर हावी हो जाते हैं। 26 दिसंबर को मैमल्स विकसित होते हैं और प्रमुख स्थलीय जानवर बन जाते हैं। 28 दिसंबर को धरती पर पहला फूल खिलता है। 30 दिसंबर की सुबह 6:24 पर चिक्सुलप एस्ट्रॉइड के इंपैक्ट से डायनासोर धरती से विलुप्त हो जाते हैं।
31 दिसंबर को होमो सेपियंस और फिर आधुनिक मानव चारों ओर दिखाई देते हैं, जो सबसे पहले अफ्रीका में उभरते हैं। 31 दिसंबर को अब समय हो चुका है रात के 11:59:46। दर्ज किया गया सारा इतिहास इस अंतिम 14 सेकेंड्स को ऑक्यूपाई करता है। हमने फसल उगाना, जानवरों को वश में करना, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ये सब सीखी। लगभग 13 सेकेंड पहले हमने राइटिंग का आविष्कार किया। 7 सेकेंड पहले मोसेस पैदा होते हैं, 6 सेकेंड पहले बुद्धा, 5 सेकेंड पहले जीसस और 3 सेकेंड पहले मुहम्मद पैदा होते हैं। केवल 1 सेकेंड पहले हमें पता चला कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, और जब वह 1 सेकेंड खत्म होने वाला था तभी हम चांद पर पहुंच गए। आपने आज तक जिस भी व्यक्ति के बारे में सुना है वह उन 14 सेकेंड्स में जिया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।